आज अपना यहाँ पर सेकंड डे है और आज हम आ गए हैं थ्यूइस पायर पे। यहाँ से जो यहाँ की लॉन्ग बोट्स हैं वो चलती हैं और आपको दिखाते हैं लॉन्ग बोट्स का सफ़र, जो कि आपको पूरी सिटी में घुमाएंगी। और दूसरी चीज़, टेंपल है यहाँ पे वटरुन, ये बोट्स हमें वहाँ ले जाके उतारती हैं। वैसे तो पूरा एक सर्कल है जो ये बोट्स लगाती हैं, लेकिन वही बात है कि घूमने के लिए तो गर्मी है जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरी चीज़ कि ज़्यादा लंबा सफ़र ठीक नहीं है मुझे ऐसा लगता है। तो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए ये एक छोटा सा जो ये हमारी राइड है ये बढ़िया रहेगी। तो गर्मी की वजह से ज़्यादा लंबी राइड मैं ले नहीं रहा हूँ, एक छोटी राइड ही मैं लूँगा और आपको लॉन्ग टेल बोट की जो राइड है उसका एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से एंटर करेंगे हम और टिकट्स मैंने ले लिए हैं, अब आपको दिखाते हैं कहाँ से एंट्री होगी लॉन्ग टेल बोट के लिए। ये टिकट्स मिल रही हैं यहाँ पे और ये देखिए थ्यूइस पायर वो जा रही है बोट। लोकल ट्रांसपोर्ट है, तो गाइस आ गई है अपनी बोट और बैठते हैं इसमें और चलते हैं आप वटरुन टेम्पल दिखाते हैं आपको। ये बोट है भाई, देख लो बोट। ये बोट हमें लेके जा रही है वटरुन टेम्पल। तो गाइस बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ट्रैवलिंग का, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जैम का भी कोई इशू नहीं है और साथ में आप जो है बिना किसी ट्रैफिक के आराम से ट्रैवल कर सकते हो। बढ़िया खचांग पेयर। ये देखिए उतर रहे हैं लोग लोकल ट्रांसपोर्ट में, इसका भी काफ़ी यूज़ करते हैं लोग। What a rule.
अपना स्टॉप आ गया है, यहीं पे मुझे उतरना है। और सामने मेरे को लग रहा है शायद वो जो है वो टेंपल है, ये देखिए कितना बढ़िया। ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, पेट्रोलिंग हो रही है। गाइज हम उतर गए हैं यहाँ पर अपने स्टॉप पे, पीछे देखिए वट अरुण, और ये देखिए कितनी नाइस लेडी खड़ी है, हाई बोलेंगे आपको, हेलो, बहुत ही बढ़िया। तो चल रहे हैं अब हम टेंपल की तरफ, ये देखिए पीछे टेंपल है, ये टेंपल मैं आपको दिखाऊंगा अभी, चलते हैं टेंपल की तरफ। और ये यहाँ पर खड़े हैं फेरी लेने के लिए, ये देखिए पीछे ये एंट्रेंस है टेंपल की, और ये देखो यहाँ टिकट मिल रही है 100 baht पर पर्सन। ओके तो टिकट ले लेते हैं। तो टिकट हमने ले लिया है, और ये देखो फोटिंग फ़ोटो शूट चल रहा है। ये देखिए टेंपल की एंट्रेंस बहुत ही बढ़िया। ये देख लीजिए आप टेंपल, बहुत बढ़िया कैंपस है, बढ़िया गार्डन। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको टेंपल अंदर से, ये मॉन्क खड़े हैं। तो गाइस ये जो देख रहे हो मेरे पीछे, ये है टेंपल, ये देखिए। तो ये टेंपल है, बहुत बढ़िया बना रखा टेंपल, यहाँ फोटोग्राफी चल रही है। चलते हैं दिखाते हैं आपको टेंपल, पुराना है बहुत। ये दिख रही है Okay.
गई है। हेलो तो गाइज़, ये जो मंदिर है वाटर रून का, ये आप बिलीव करोगे तो हिंदू मंदिर है, एक मतलब हिंदू देवता है अरुण देवता, जो कि सूर्य भगवान के सारथी थे, उनके नाम पे ये वाटर रून जो मंदिर है वो बनाया गया है। और इसमें अभी मैं देख रहा था एक जगह, इंद्र भगवान जो हैं उनकी भी बहुत बढ़िया एक स्टैचू है, वो देखिए ऊपर दिखाता हूँ आपको, मेरे पीछे देखिए आप उधर ऊपर बिल्कुल, वो वहाँ पर देख रहे हो आप बिल्कुल, अभी मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो है ये इंद्र देवता हैं और ऐरावत पे बैठे हैं, तीन मुँह का जो हाथी है वो ऐरावत है उसके ऊपर बैठे हैं, और चारों तरफ जो है इनकी स्टैचू लगा रखी है। ये सामने वाली है और ये साइड से आप दूसरी जगह यहाँ पे, वो देखिए वो, ये देखिए दूसरी तरफ भी है, सामने भी है, और चारों तरफ जो है मंदिर के ये फ़ोटो लगी हुई है। तो बहुत ही बढ़िया मंदिर बना रखा है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखिए सामने भी है वो, ऊपर ऊपर देखिए इस, ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने इधर, वहाँ पे भी आपको ऐरावत के ऊपर बैठे हुए इंद्र देवता नज़र आएंगे। तो ये कमाल की बात है कि थाईलैंड में जो है हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, और राम के भी यहाँ पे मंदिर हैं काफ़ी, बहुत ही बढ़िया, बहुत पुराना मंदिर है। तो मंदिर जो है वो 17th सेंचुरी का बना हुआ मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, और स्कल्पचर जो है बहुत ही बढ़िया बना रखे हैं। ये एक पूरा राउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मंदिर का, और ट्रेडिशनल थाई ड्रेसेस में बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी के लिए आए हैं या इसलिए आए हैं। ये देखिए ट्रेडिशनल जो है मेरे पीछे, ट्रेडिशनल थाई ड्रेसेस में खड़े हैं। प्रॉपर ट्रेडिशनल थाई ड्रेसेस में ये देखिए पूरी फैमिली खड़ी है जो देखने आए हैं। तो ये एक पूरा राउंड मैंने आपको यहाँ का दिखाया है, और मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा बहुत बना रखा है। ये देखिए सब ट्रेडिशनल जो इनकी ड्रेसेस हैं उसमें घूम रही हैं सब, मेरे पीछे देखिए आप, तो ये मंदिर है जो आपको मैंने दिखाया है। यहाँ से हम निकल लेंगे, निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं कुछ और जगह। तो गाइस टिकट हमने ले लिया है, अब हम जाएंगे सेटोन, और ये देखो पीछे इंडियन क्राउड आपको बहुत नज़र आएगा यहाँ पे, ये देखिए, और ये मैडम है ये टिकट बांट रही हैं यहाँ, इनसे हमने टिकट खरीदी है अभी वापसी की, आ रही है हमारी फेरी, उसमें निकलते हैं फिर देखते हैं कब भेजेंगे हमें। तो गाइस यहाँ से हम अपनी फेरी पकड़ के हम निकल चले हैं सेटोन, वहाँ से पकड़ेंगे बस और फिर जाएंगे
वहीं पे, जहाँ आज मैं पहुँच नहीं पाया। जिम जाएंगे। ये देखिए जबरदस्त व्यू। गाइस बस हमने ले ली है और यहाँ से हम जा रहे हैं जिम। आज जो जिस जिम में हम कल गए थे वो यहाँ से थोड़ा दूर है, तो इसीलिए आज हम एक दूसरे जिम में जाएंगे, उसको ट्राई करते हैं। वो यहाँ से पास में दिखा रहा है, तो देखते हैं वहाँ पर जाकर कैसे क्या हिसाब बनता है और एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज देखिए ज़रूरी है, मेरा दिन पूरा होता नहीं है उसके बिना। तो चलते हैं जिम और थोड़ी एक्सरसाइज करके फिर शाम को आपको घुमाते हैं दोबारा से। हाँ तो गाइस पहुँच गए हम जिम में, और जो कल वाला जिम था जैसे मैंने आपको बताया दूर था, ये वाला जिम जहाँ पे आज हम थे वहाँ से पास पड़ रहा था। तो अभी आपको जिम दिखाते हैं हम, चलिए। तो वो रहा सामने जिम, और जिम में चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं आज की। ये जिम है भाई, देख लो ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है जिम। जिस जिम में हम कल गए थे उससे तो छोटा ही है, बट ठीक है, हमारा काम चलेगा बढ़िया। चेंज करते हैं, और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस वर्कआउट अपना आज का हो गया है ख़त्म, और अभी वर्कआउट के साथ साथ हो गया दिन भी ख़त्म। तो अभी निकलेंगे हम होटल की तरफ, और कल की अपनी फ़्लाइट है फुकेट की, तो कल थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, और कल फुकेट के लिए निकलते हैं और दिखाते हैं आपको कल का पूरा प्रोग्राम। तो अभी यहाँ जिम से निकल के और होटल की तरफ जा रहा हूँ मैं। रास्ते में कुछ दिखा मेरे को बढ़िया तो आपको भी दिखाता हूँ, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।